तो गाइस अभी मैं आपको एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी गन ज्यादा बेहतर रहती है। मेरे पास कई सारी बहुत सारी गनें हैं और मैं जिन गनों से मैं काम करता हूँ लेकिन वो मेरे को सक्सेसफुल नहीं लगी। तो ये पीयू पायलट की मैंने काफी चलाई है इसमें और काफी मुझे पता है जो पायलट की है ये, तो पीयू के लिए, डिको के लिए और नॉर्मल पैंट के लिए अगर आप डालते हो गन से स्प्रे से तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बहुत अच्छी है। इसकी जो अंदर से जो फुहार निकलती है ना वो बहुत बारीक निकलती है और इससे क्या कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये पायलट की है, तो आज मैं इसका आपको स्थिति खोल कर दिखा रहा हूँ। ये वाली जो चीज़ है इसको इसके ऊपर ये फाइनल कोट डालने जा रहा हूँ मैं, फाइनल कोट। तो ये इसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी है लेकिन आने वाले समय में इसकी एक वीडियो और शूट करूँगा मैं। तो ये पायलट की है हमारी, तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखता हूँ कैसे किस तरह की इसमें निकलती है और क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं, तो देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है पूरी तरह से, मैंने बहुत चलाई है, तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए ये पूरी पायलट की है और इसकी कीमत की अगर बात हम करते हैं तो यार ये 2400 रुपए की है, 2400 रुपए की है ये। मैं आज ही लेके आया हूँ इसको, पहले की 1800-1900 की मिल जाती थी। मेरे पास एक डेढ़ साल पुरानी गन रखी है और ये ख़राब हुई वाली, तो दूसरी फिर लेके आया मैं। ये इसके साथ गिलास आएगा और ये इसकी नोजिल है, ये स्प्रे है ये चीज़, और ये इसका आगे का हिस्सा है ये वाली चीज़, और ये इसका ऊपर का हेड इस तरह से इसको इसके अंदर फिट कर लेते हैं इस तरह से ये। तो ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। और इसका ये घोड़ा है और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ना यहाँ पे आकर टच हो रुक जाता है, इस जगह यहाँ पे रुक जाता है। आप फुल स्पीड के साथ दबा कर रखें इसे तो ज़्यादा नहीं, कि यहाँ पे आकर रुक जाता है, इससे क्या है कि आपकी जो फुहार है वो बराबर एक साथ चलती रहेगी। और दूसरा ये कि आप यहाँ से अपना मटेरियल कम भर्ती कर सकते हैं, अगर ढीला करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल फेंकेगी, कम इस तरह करेंगे आपको अगर इसको खींचेंगे हम तो कम मटेरियल फेंकेगी। और ये आपकी ये जो है ये है, जैसे पीछे हमने फुल कर दिया तो एक पतली धार बनेगी इसकी, और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं तो इसकी एक चौड़ी करके धार निकलेगी, फुहारा सा, बड़ा सा फुहारा ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए, ये उसके लिए ये वाली चीज़। और मैनुअल पाइप जो होता है हमारा ये है, जैसे ये कंप्रेसर है हमारे पास, ये कंप्रेसर हैगा और ये है इसका पाइप, तो ये पाइप सिर्फ हम यहाँ पर फिट करते हैं इस तरह से, ये इसके लिए होता है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे आप नई गन लेके आते हो तो नई गन जैसे आप लेके आओगे तो उसमें आपने पेंट डाल के इस्तेमाल नहीं करना, ना ही पानी डाल के, पानी डाल के कर सकते हो वैसे, या थिनर डाल के। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थिनर डाल के इस्तेमाल करना है आपने, और वो देखना है इसमें थिनर डाल के कि सही गन चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना वापस दुकानदार कोई नहीं करता। अगर आप थिनर डाल के करते हो उसके अंदर पेंट नहीं लगा तो साफ ही साफ गन है तो आपकी रिटर्न हो जाएगी, वरना जो रिटर्न नहीं होगी। तो मैं इसमें सिर्फ थिनर डालूंगा, थिनर डाल के ही इसको चेक करूंगा कैसी ये चल रही है, अगर ख़राब होगी तो मैं इसको वापस करके आऊँगा, फिर दूसरी लेके आऊँगा। अगर मैंने पेंट डाला, मैंने अगर इसमें पेंट डाला तो इसके अंदर जम जाएगा और दुकानदार देखेगा इसके अंदर तो वो वापस नहीं करेगा और आपके 2400 रुपये की आपने खरीदी है ये बेकार जाएंगे। तो मैं इसके अंदर थिनर डालने वाला हूँ और थिनर डाल के यूज करूँगा इसको। ये इसका गिलास है जो ऊपर लगता है ये वाला, देखो ये भी प्यू पायलट लिखा है इस पर, ये देखो इस पर पायलट लिखा है, सॉरी प्यू तो हम करेंगे, पायलट लिखा है इस पर। और इसको गिलास में क्या करना है, हमें अच्छी तरह से इसको टाइट करना होता है यहाँ पे। एक इसके अंदर एक पार्सल होता है ये वाला वाइट वाला, ये वो होता है इसलिए कि लीकेज ना हो रही हो आपकी। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा थिनर डालेंगे और इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर चल कैसे रहा है। और ये गिलास देख रहे हो, मतलब एक फ्लेक्सिबल गिलास है और स्टील है, प्योर स्टील, और जो गन होती है उसमें तो प्योर स्टील नहीं मिलेगी आपको, इसके अंदर स्टील का गिलास मिलेगा, उसमें लोहे का गिलास मिलेगा। जैसे मेरे पास एक गन पड़ी थी यहाँ पे, ये देखिए इसमें प्लास्टिक का है, ये मेरी ख़राब हो चुकी है, ऐसे सही है, देखो सारा कुछ सही है, इसके अंदर के जो बार्स है ना वो कट चुके हैं। और एक गन और थी मेरे पास, बताने के लिए और थी एक और, तो इस करके अब ये लेके आया हूँ, आवाज़ देखो बहुत शानदार आवाज़ है,
तो मैं अब इसको थिनर डाल के करता हूँ स्टार्ट, चल रहा है ना? ये इसमें इसके अंदर। तो गाइस ये मेरे पास थिनर है और थिनर आपने प्यू वाला ही थिनर डालना है, ये प्यू वाला थिनर है, प्यू वाला डालना है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं इस गन के बारे में, कृपा करो इस गन के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। कभी भी आप इसमें जो थिनर जो चलाओगे आप टाइगर का, बैमले का, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी जो मार्केट में, वो मत चलाना। जो प्यू वाले थिनर या फिर आपके ये जैसे प्यू वाले थिनर हो गए, मेलामाइन वाले थिनर हो गए या फिर डिको वाला थिनर हो गया, ये चीज़ आप इसमें चला सकते हो। एनसी थिनर जो होता है, दूसरा टाइगर थिनर फिनर जो हाथ सफाई सफाई करने के लिए होते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलाना, वरना इसकी रबड़ जो होती है वो कट जाती है और आपके जो पैसे हैं वो बेकार हो जाएंगे और गन भी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसमें डालता हूँ थिनर, मैंने अभी थोड़ा सा थिनर डाला है और मैं इसको चेक करूँगा, मैं देखूँगा इसका फुहारा कैसा चल रहा है। ये तैयार है अभी, इसके अंदर जो हमने इसके साथ और क्या चीज़ आती है, एक ये भी आती है, देखो ये आपको खरीदनी पड़ेगी, ये इसके साथ आती है अगर जैसे इस पाइप में लगानी हो तो। अभी तो ऑलरेडी लगी है तो मैं लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इसमें वापस डाल देता हूँ इसके अंदर। तो ये है कि इसके अंदर, तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। हवा कहाँ कोई नहीं, वो देख लेंगे बाद में, चलना पड़ देंगे, हवा भी देख लेंगे। तो फिलहाल में अभी मैं इस कंप्रेसर चालू करता हूँ थोड़ा, और फिलहाल में बिना कंप्रेसर के देखता हूँ कैसा निकल रहा है इसका मटेरियल। अभी फिलहाल में जितना भी देख सकता हूँ कि बहुत ऐसा लगता है कि गन बहुत अच्छी चलेगी, अच्छा निकल रहा है। अभी फिर स्प्रे के साथ दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ से लीकेज तो नहीं हुई, जैसे हमने थिनर डाला था उस समय, तो यहाँ से कोई लीकेज नहीं है इस जगह से। और ये हमारा मटेरियल कम भर्ती करने का है, मतलब अगर पीछे करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल थकेगी, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं हम। और ये वाला जो, ये भी हमारे काम का होता है जो इस लीवर को सेट करता है कि कहीं भी अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। ये कम बढ़ती धार का होता है, चौड़ी पतली धार करने का ये वाला। तो अभी मैं अभी यहाँ पे समझ लीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल पे आपको थिनर चला के दिखा रहा हूँ और दिखाता हूँ कैसे इसकी स्पीड निकलती है, थिनर किस तरह से निकलता है और किस तरह से इसकी प्रोसेसर आगे के लिए काम करेगी ये हमारे लिए। तो गाइस ये मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि थिनर मैंने चलाया है इसके अंदर और थिनर से मुझे पता लग रहा है प्रॉपर माल फेंक रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको, ये वाला जो लीवर है ना, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। अब इसकी चौड़ी धार देखेंगे कि उसमें बराबर मटेरियल फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है, हल्का सा घुमाएंगे और देखते हैं इसको। ये देखिए कितनी चौड़ी धार जा रही है, मतलब धार जो जा रही है वो कम बढ़ती नहीं है, पूरी प्रॉपर है। और इससे भी ज़्यादा हम चौड़ी से कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा फाइनली देखते हैं फुल करके। वाओ यार बहुत अच्छा इसकी फुहार है ना, बहुत शानदार निकल रही है, देखो मतलब बहुत ज़बरदस्त निकल रही है। इसमें मैं थोड़ा थिनर डाल दूँ, थिनर कम हो गया, ये देखिए ये फुल चौड़ी धार है, फुल गन की जितनी होती है फुल है ये देखो। वाओ यार अमेजिंग, ये देखिए यानी आप एक बार में इतना फीस ले सकते हैं, इतनी इसकी चौड़ी धार निकल रही है, एक बार में इतना ले सकते हैं। अब हम इसको वापस कर रहे हैं, पूरा पतली धार करेंगे, देखो ये पतली धार हो गई। और अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं इसको पीछे करने की, ये चीज़ जो है अब देखेंगे यहाँ से मटेरियल का कितना फर्क पड़ेगा, कितनी देर में कितना मटेरियल फेंक रहे हैं। तो बाहर हम रहने देंगे सिर्फ ओनली एक दो तीन, ओनली तीन चूड़ी हम बाहर रहने देंगे, ये वाली ये तीन चूड़ी बाहर रहने देंगे, उसके बाद हम सप्लाई करेंगे। देख सकते हो कि मटेरियल जो है थिनर जो है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, मतलब वो ज़्यादा फेंकने लगा है इसे पीछे करने से, थोड़ा और करके देख सकते हैं। अभी हमने चार चूड़ियाँ पूरी पूरी बाहर कर दी है, चार, ये देखिए मतलब इतना ज़्यादा फेंकने के ना, ये देखिए बहुत सारा फेंकने लगी है मटेरियल। तो अभी हम इसको वहीं के वहीं सेट करेंगे जहाँ की ये नॉर्मल सेटिंग जो है हमारी, ये समझ लीजिए चूड़ियाँ पूरी आपकी ख़त्म हो जाती हैं, ये पूरी ख़त्म हो गई यहाँ की, ये नॉर्मल सेटिंग है आपकी।
तो यहाँ पे आप और थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, हल्का सा आगे, हल्का सा बस, और उसके बाद आप काम कर सकते हो। तो गाइस ये इसका रिव्यू जो था ये बहुत ठीक था, तो मुझे पता है ये बहुत अच्छी चलती है कि मैंने ये पहले ऑलरेडी चला रखी हूँ, अभी तक चलाता हूँ मैं, दूसरी साइड पे है, साइड पे नहीं धीरे धीरे, तो नई साइड के लिए नई लेके आया हूँ उसके लिए मैं। और यहाँ पे 2 से 3 घर मेरी ख़राब हो चुकी है, पुरानी जो मतलब पड़ी थी मेरे पास वो और कंपनी की थी, तो फिर से फिर मैं इसी को ले आया, मैंने कहा ये ज़्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगी। इसके बाद में अब इस पर मैं दिखाऊँगा आपको ये जो चीज़ है, आपको फाइनल कोड दिखाऊँगा, इसमें फाइनल कोड पड़ता कैसे है, ठीक है, अभी तक रखता हूँ। इसका प्यू है और ये हमने प्यू बना लिया है पूरा अच्छी तरह से, देख सकते हो, और इसकी प्यू पूरी वीडियो तो आपको रुक के ही मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। और ये इसके अंदर भर भी दिया है हमने प्यू, तो अभी हम दिखाते हैं इस पर मार के किस तरह से इसकी फिनिशिंग आती है और किस तरह से ये मटेरियल फेंक रही है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो लड़का है सुरेश, तो वो अभी इसको फाइनल कोट लगाएगा। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कहाँ पे हमें गन सेट करनी है। ये देखिए, ये देखिए, अपने हिसाब से सेट होगा तब हम इसको मारेंगे। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से बेट बन चुका है, कुछ भी नहीं आ रहा। चलो भाई स्टार्ट है, और दोस्तों ग्लोसी है, ग्लोसी तो अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी चमक है, और कहीं पे भी इतना बड़ा बोर्ड नहीं बहा है। ये देखो चमक, देखिए खिड़की दिख रही है, और जो हमारा लड़का है वो भी इसमें अंदर दिख रहा है, पूरी चमक है इसके अंदर। और बोर्ड भी आप देख रहे हो, काफ़ी बड़ा बोर्ड था ये जिसको हमने किया है, मार्बल लुक किया है, मार्बल फिनिश जैसे बोलते हैं, मिसिंग नहीं वो किया हुआ है। फाइनल दिखा देता हूँ आपको कितना बड़ा बोर्ड है ये, ये देखिए इतना बड़ा बोर्ड है, और इसके अंदर जरा सा भी नहीं बैठा है। ये जो गन है हमारी, अच्छी गन है,